सर्दियों के मौसम को फ्लू का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस सीजन के अंदर बार बार खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में हमारी मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए यह सीज़न अपने शरीर को रेजुविनेट करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसी सीज़न में कुदरत ने हमें दिया है आंवला, जो कि हमें फ्लू व अन्य समस्याओं से भी बचाता है और इसके साथ साथ शरीर को रेजुविनेट भी करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जीवा में फ्रेश आंवला से निर्मित किया है जीवा च्यवनप्राश। जीवा च्यवनप्राश के अंदर आंवले के अलावा 50 अन्य जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो आंवला पिष्टि प्रयोग होती है वो इसी सीजन में उगे फ्रेश आंवला को लेकर बनाई जाती है। जीवा च्यवनप्राश के अंदर स्टोर्ड व फ्रोजन पिष्टि का प्रयोग नहीं होता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जीवा च्यवनप्राश के नित्य सेवन से आपकी सभी धातुएं हृष्टपुष्ट होंगी और आपका शरीर रेजुविनेटेड रहेगा। इसकी वजह से आपके शरीर की व्याधि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह की समस्याओं से शरीर को बचाकर रखता है। सभी आयु वर्ग के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों में शारीरिक व मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। युवा वर्ग के अंदर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। और वृद्धावस्था के अंदर एजिंग को डिले करता है और इसके साथ साथ आपकी आयु को बढ़ाता है। जीवा च्यवनप्राश का सेवन दिन में 2 बार करें। यदि आपकी उम्र 10 साल से कम है तो 5 से 10 ग्राम और यदि 10 साल से ज़्यादा है तो 15 से 20 ग्राम। यदि आप इसको दूध के साथ लेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। आप इसको अपने भोजन के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर फूड आइटम की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जीवा च्यवनप्राश का नित्य सेवन करें, अपने शरीर को रेजुविनेट करें और अपने शरीर की व्याधि रोधक क्षमता को बढ़ाएं। यदि आप हमारे अन्य प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहते हैं